जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस दरअसल नॉन साइटोप्लाज्मिक जंक्शंस हैं या कनेक्शंस हैं, और ये कनेक्शंस हैं बिटवीन न्यूरॉन्स आर न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स। अगर न्यूरॉन न्यूरॉन के एक साथ कनेक्शन बनाएगा तो इसको भी साइनेप्स कहेंगे, और अगर न्यूरॉन इफेक्टर की मेम्ब्रेन के साथ कनेक्शन बनाएगा तो इसको भी साइनेप्स ही कहा जाएगा। अब ये कनेक्शन फिजिकल कनेक्शन नहीं है, बीच में माइक्रोस्कोपिक एक गैप भी मौजूद होता है, इसलिए मैंने इसको नॉन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कहा है। कि अगर न्यूरॉन न्यूरॉन के साथ कनेक्ट हो रहा है तो वो बिल्कुल फिजिकली आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे, माइक्रोस्कोपिक बीच में वक्फा या गैप लाजमी होगा। इसी तरह न्यूरॉन अगर इफेक्टर की मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट हो रहा है तो वो फिजिकली उसके साथ टच नहीं कर रहा होता, बल्कि बीच में माइक्रोस्कोपिक एक गैप होता है। मिसाल के तौर पे ये भी पॉसिबल है कि अगर ये न्यूरॉन है तो ये किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट है, इस कनेक्शन को साइनेप्स कहा जाता है। ये जो रेड कलर से मैंने मेंशन किया ये साइनेप्स है, लेकिन चेक करें कि बीच में एक गैप भी है, ये वाला एरिया कहीं पे दोनों एंड टू एंड आपस में अटैच नहीं है। इतने करीब जरूर हैं ये दोनों एंड के, बजहर लगता है कि दे आर कनेक्टेड, फिजिकली कनेक्टेड, लेकिन एक्चुअली ये फिजिकली कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह एक ऑप्शन ये हो सकती है कि अगर ये न्यूरॉन है, स्पेशली मोटर न्यूरॉन, तो इसका कोई एंड ये इफेक्टर की मेम्ब्रेन के करीब हो, वहां पे अटैच हो, और सपोज अगर ये इफेक्टर कोई मसल है, चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा था आपने, तो बेटा अब इनका ये एरिया साइनेप्स कहलाएगा। कि ये वो एरिया जहाँ पे इफेक्टर की मेम्ब्रेन और न्यूरॉन की मेम्ब्रेन एक दूसरे के बहुत करीब हैं, बाजार लगता है कि दे आर कनेक्टेड फिजिकली, बट एक्चुअली दे आर नॉट कनेक्टेड फिजिकली, ये भी साइनेप्स है। अब साइनेप्स का पर्पस क्या है, ये किस मकसद के लिए कनेक्शन बन रहे हैं? साइनेप्स का पर्पस होता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। कि इस न्यूरॉन में अगर इम्पल्स ट्रेवल कर रही है तो ये इम्पल्स फिर नेक्स्ट न्यूरॉन तक भी ट्रांसफर हो, या अगर इम्पल्स इस न्यूरॉन में ट्रेवल कर रही है तो ये इम्पल्स फिर इफेक्टर की मेम्ब्रेन तक भी ट्रांसफर हो। तो इम्पल्स का एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन पे ट्रांसफर होना, या इम्पल्स का न्यूरॉन से इफेक्टर की मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर होना, दोनों सूरतों में इसको हम नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन का ही नाम देते हैं। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आए डायरेक्टली कि राइट एंड वोट ऑन साइनेप्स, या ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन आए कि राइट एंड वोट ऑन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। जब इम्पल्स एक ही न्यूरॉन के अंदर ट्रेवल कर रही होती है तो बेटा उसे कंडक्शन कहा जाता है विद इन द सेम न्यूरॉन। लेकिन अगर इम्पल्स एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन पे ट्रांसफर हो तो ये ट्रांसमिशन है, या नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से इफेक्टर की मेम्ब्रेन में ट्रांसफर हो तो इसको भी ट्रांसमिशन का ही नाम दिया जाता है। तो साइनेप्स कह लें या नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन कह लें, ये एक ही बात है। अब आपके सिलेबस टेक्स्ट बुक के मुताबिक
साइनेप्स जो है ये सिर्फ न्यूरॉन के दरमियान ही है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जरूरी नहीं होता कि ये न्यूरॉन के दरमियान ही हो। ये न्यूरॉन और इफेक्टर की मेम्ब्रेन के दरमियान भी हो सकता है, लेकिन अगर साइनेप्स बिटवीन न्यूरॉन्स है तो उसकी फर्दर तीन टाइप है जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है। साइनेप्स जो है ये फर्दर तीन टाइप का हो सकता है, अगर ये किन के दरमियान है, न्यूरॉन्स के दरमियान है। ये तीन टाइप कौन सी हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बेटा टाइप ये हो सकती है कि एक न्यूरॉन का एग्जॉन किसी दूसरे न्यूरॉन के एग्जॉन के साथ साइनेप्स बना रहा हो, तो ऐसे साइनेप्स को आप क्या कहते हैं जी, एग्जो एग्जोनल साइनेप्स। ये भी हो सकता है कि एक न्यूरॉन का एग्जॉन किसी और न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ साइनेप्स बना रहा हो, इसको एग्जोडेंड्राइटल साइनेप्स कहा जाता है। या ये भी हो सकता है कि एक न्यूरॉन का डेंड्राइट किसी और न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ साइनेप्स बना रहा हो, तो इसे हम कहते हैं जी डेंड्रोडेंड्राइटल साइनेप्स। तो हमारी बॉडी में ये तीनों किस्म के साइनेप्सिस मौजूद हैं। जब न्यूरॉन न्यूरॉन के दरमियान साइनेप्स होगा तो उसकी फर्दर तीन टाइप बेटे मैंने आपको बताई हैं, एक्सो एक्सोनल, एक्सोडेंड्राइटल और डेंड्रोडेंड्राइटल जी। 12 साइनेप्स जितने भी हैं हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक सबका फंक्शन एक ही है, वो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब सवाल यह है कि एक न्यूरॉन में से जो इम्पल्स आ रही है वो नेक्स्ट न्यूरॉन या इफेक्टर पे कैसे ट्रांसफर होगी। सपोज करें कि साइनेप्स इस तरह का है, बिटवीन टू न्यूरॉन्स, सिंपल साइनेप्स इसको कहते हैं। ये दो न्यूरॉन के दरमियान ये साइनेप्स है, ये वाला। या फिर ये भी हो सकता है कि ये एक न्यूरॉन है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं। यहां पे ये भी हो सकता है कि यहां पे ज्यादा एक न्यूरॉन के साथ ज्यादा डिफरेंट न्यूरॉन ने साइनेप्स बनाया हो, बेटा ये भी ऑप्शन हो सकती है। इसको मल्टीपल साइनेप्स कहा जाता है कि एक ही न्यूरॉन के ऊपर मैनी साइनेप्स बने हुए हैं। अगर तो सिंपल साइनेप्स है तो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होने के लिए जरूरत है कि बहुत सारी नर्व इंपल्स यज्ञ के बाद दिगरे प्रोग्रेसिवली स्टेप बाय स्टेप इस एंड तक पहुंचे, सबकी इंटेंसिटी सम अप हो जाए, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन पे ट्रांसफर हो। एक ऑप्शन तो ये कि अगर सिर्फ दो न्यूरॉन के दरमियान साइनेप्स बना हुआ है तो पहले साइनेप्स से इंपल्स, एक इंपल्स जो है उसमें इतनी शिद्दत नहीं होती कि वो नेक्स्ट न्यूरॉन पे ट्रांसफर हो, उसका पहले सम अप होना जरूरी है कि पहले बहुत सारी नर्व इंपल्स पहले न्यूरॉन के एंड पे इकट्ठी होंगी, फिर उनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इसकी वजह से नेक्स्ट न्यूरॉन पे ट्रांसमिशन हो सकती है। इस तरफ क्या ऑप्शन है जी, इसमें ये ऑप्शन है कि तीनों न्यूरॉन में से बयक वक्त इंपल्स इधर तक बयक वक्त आएगी तो फिर ये ट्रांसफर होगी, और इसको आपकी बुक के ऊपर मेंशन किया हुआ है जी। मैं बता देता हूँ आपकी बुक के ऊपर ये कहां पे पॉइंट मेंशन है, जी ये सेंटेंस देखिएगा जरा,
ए सिंगल इंपल्स डज नॉट गेट अक्रॉस द सिनेप्स, बल्कि दो या दो से ज्यादा इंपल्स तेजी के साथ एक पहले न्यूरॉन के एंड तक आएंगी, या फिर दो या तीन न्यूरॉन में से कठी इंपल्स आएंगी तो फिर वो आगे ट्रांसफर होंगी। मैं अभी आपको डायग्राम की शक्ल में बताया भी था, लेकिन क्वेश्चन स्टिल वहीं पे है कि ये इंपल्स ट्रांसफर हो कैसे गई है। क्या एक न्यूरॉन में जो इंपल्स आ रही है वो इलेक्ट्रोकेमिकल जो वेव है वो डायरेक्ट जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन पे ट्रांसफर होगी, या कोई इसका मैकेनिज्म है? तो इसके बहुत सारे मैकेनिज्म है, लेकिन जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है मैं सिर्फ वो बताने लगा हूँ, वो जरा समझिएगा। इसके लिए मुझे थोड़ी देर के लिए ब्लैंक पेज आपके साथ शेयर करना पड़ेगा, वाइट बोर्ड जिससे आप कहते हैं, मैं अभी इसको करता हूँ, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। हमने बताना ये है कि एक इंपल्स जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक ट्रांसफर हो कैसे जाती है। तो अभी इसको जायजा लेते हैं। लें जी, ध्यान रखिएगा। सपोज कर लेते हैं जी, ये एक न्यूरॉन है, इंपल्स लेकर आ रहा है, और ये इस न्यूरॉन का आखिरी सिरा है, ये यहां से इंपल्स आ रही है ये, और इसके साथ ये एक मेम्ब्रेन और है रेड कलर में। अब इंपल्स इसमें ट्रांसफर होनी है। अब बेटा ये जो पूरा कनेक्शन है ना, ये इसको तो आपने कह दिया साइनेप्स, ये दैट इज साइनेप्स। अब गैप भी मौजूद है, ट्रांसफर कैसे होगा? अब इसकी डिटेल स्ट्रक्चर आपको बताता हूं, पहले इसको थोड़ा सा समझ लें। बेटा ये जिस न्यूरॉन में से इंपल्स आ रही होती है ना टूवर्ड कनेक्शन या साइनेप्स, इस न्यूरॉन को कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। जो इंपल्स लेकर आ रहा है कनेक्शन की तरफ, उस न्यूरॉन को क्या कहते हैं? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और जिस पे ट्रांसफर होनी है इंपल्स, जिसे रिसीव करनी है, उसे कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक, साइनेप्स के बाद वाला। और बेटा ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसमें दो ऑप्शन है, ये कोई न्यूरॉन भी हो सकता है अगर ये साइनेप्स न्यूरॉन न्यूरॉन के दरमियान बना है, या फिर ये इफेक्टर की मेम्ब्रेन भी हो सकती है। तो तय हो गया कि जब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का जिक्र होगा तो डेफिनेट बात है कि न्यूरॉन की बात हो रही है, लेकिन जब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का जिक्र होगा तो उसमें ऑप्शंस हैं, वाजे करना पड़ेगा कि ये न्यूरॉन है या कोई इफेक्टर की मेम्ब्रेन है। और दोनों के दरमियान जो ये गैप आपको नजर आ रहा है, इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्लेफ्ट कहते हैं वक्फे को, दराड़ को, लाइन को, गैप को। तो ये दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो गैप होता है माइक्रोस्कोपिक, इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट का नाम दिया जाता है। अब इसी को मैं थोड़ी और डिटेल से आपको बता देता हूं, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होती है। ये समझें कि वो न्यूरॉन है बेटा जो इंपल्स लेकर आ रहा है ये, और ये इस न्यूरॉन का आखिरी सिरा है जो थोड़ा मोटा फूला हुआ होता है, और ये जो नीचे रेड कलर की मैंने ड्रॉ की है, ये समझें पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। लेबलिंग चेक कर ले, ये न्यूरॉन क्या होगा? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और ये जो इसका आखिरी सिरा मोटा फूला हुआ है, इसे प्री साइनेप्टिक एंड या
इसे प्री साइनेप्टिक नॉब कहा जाता है, क्योंकि मोटा हिस्सा ना इसको नॉब कहा जाता है, फूला हुआ हिस्सा है। और ये जो रेड कलर की मेम्ब्रेन है इसे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। मैंने पहले बताया कि ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन मे बी न्यूरॉन मे बी इफेक्टर, दोनों को मुश्तरका तौर पे साइनेप्स कहा जाता है। और इनके बीच में जो गैप है ये वाला माइक्रोस्कोपिक गैप, दिस इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब बेटा इन सारी चीजों के मजमुए को आप साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स में क्या क्या आ गया जी? प्री साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये सारा सेटअप, सारी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? साइनेप्स। देखो करीब करीब भी हैं, कनेक्शन भी है, लेकिन फिजिकल कनेक्शन नहीं है। खैर अब बेटा जो प्री सिनेप्टिक नॉब है उसके अंदर छोटे छोटे वेजिकल होते हैं और उन वेजिकल के अंदर मॉलिक्यूल पैक होते हैं, मैं भी बताऊंगा। इन मॉलिक्यूल को कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल। और जिस वेजिकल के अंदर ये पैक हैं उसे कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर वेजिकल। ये और अंदर जो मॉलिक्यूल पैक है ये केमिकल कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनको कहा जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स। फिर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर कैल्शियम के गुजरने की चैनल होती है, जहर इसको कैल्शियम चैनल कहेंगे। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा रिसेप्टर्स होते हैं, जहां पे जाके न्यूरो ट्रांसमीटर वेजिकल ने सॉरी मॉलिक्यूल ने अटैच होना। इनको पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर कहा जाता है। मैं चलिए इनको सिंपल फिलहाल पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर कह रहा हूँ, PSR। और अभी फिलहाल आप सपोज करें कि जो पोस्ट एनेप्टिक मेम्ब्रेन है बेटा ये अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है, यानी इसके बाहर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज है। अभी ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है। अब जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसमें चूंकि इंपल्स अभी चल रही है, ये एक्शन पोटेंशियल की कंडीशन में, जबकि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन अभी बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है। और जब मैं कह रहा हूँ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो इसमें सारी सिचुएशन वही है कि बाहर किस आयन की क्वांटिटी ज्यादा है, अंदर किसकी ज्यादा, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। खैर जब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में इम्पल्स सिनेप्टिक नैब नॉब तक पहुंच जाती है तो बेटा ये जो कैल्शियम चैनल होती है ना ये ओपन हो जाती है। ओपन होने से सराउंडिंग फ्लूइड में से कैल्शियम आयन न्यूरॉन के अंदर दाखिल हो जाता है। कैल्शियम आयन के दाखिल होने से न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं। ये पहले वेजिकल सिर्फ अंदर मौजूद थे लेकिन मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं थे, कैल्शियम इनको अटैच करवा दिया। अटैचमेंट के बाद होगा जी एग्जोसाइटोसिस, क्योंकि वेजिकल है और वेजिकल के मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे तो अब ये न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल एग्जोसाइटोसिस के जरिए किसमें आ गए हैं जी? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे इन रिसेप्टर के ऊपर, पोस्टसिनेप्टिक रिसेप्टर के ऊपर, और ये बेटा अटैचमेंट एज स्टिमुलस एक्ट करेगी और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। सारी वो चेंजेस आएगी जो मैं पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ कि रेस्टिंग पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट होता है। अब चूंकि न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल अटैच होना एक्चुअली एज स्टिमुलस काम कर रहा है और इस पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में भी एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाती है और फिर वो नर्व इम्पल्स इधर ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है, यानी
कि इम्पल्स जंप करके डायरेक्ट उधर नहीं पहुंची, करंट की लहर जंप करके पोस्टसिनैप्टिक मेम्ब्रेन पे नहीं पहुंची, बल्कि ये ट्रांसमिशन की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए। ये मॉलिक्यूल जब पोस्टसिनैप्टिक मेम्ब्रेन पे अटैच हुए तो उधर भी इम्पल्स स्टार्ट हो गई। तो चूंकि इस ट्रांसमिशन में मॉलिक्यूल, जिन मॉलिक्यूल ने हेल्प की है उन मॉलिक्यूल को आप न्यूरोट्रांसमीटर का नाम दे रहे हैं, और ऐसे साइनेप्स को बेटे आप केमिकल साइनेप्स कह रहे हैं। तो आप समझ लें कि साइनेप्स जो है उसमें से अगर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है तो बेटे वो फिजिकली जंप करके इम्पल्स नहीं उधर जा रही, बल्कि हो क्या रहा है कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के एंड तक इम्पल्स आई, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए, वो पोस्टसिनैप्टिक मेम्ब्रेन पे जाकर अटैच हुए, वहां पे रेस्टिंग पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गया है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। तो हम कहेंगे इसको ट्रांसमिशन ही, क्योंकि पहले न्यूरॉन की वजह से आगे इम्पल्स जनरेट हो रही है ना, तो इसको एक्चुअली ट्रांसमिशन कहते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि वाकई ही जंप करके करंट की लहर दूसरे न्यूरॉन पे चलेगी, ऐसा नहीं है। अब जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन स्टॉप करनी है तो क्या किया जाएगा, दो ऑप्शन बेटा होती हैं कि ये जो क्लेफ्ट होता है ना, ये यहां पे एंजाइम होता है डीग्रेडिंग एंजाइम, ये न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल को एक खास वक्त के बाद तोड़ना शुरू कर देता है। जब न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल ही नहीं रहेंगे, वो रिसेप्टर पे अटैच नहीं होंगे, तो पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन में नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाती है। और या दूसरा तरीका ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू फिर वापस पहले न्यूरॉन में, प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन में भेज दिया जाता है। उसके लिए फिर एक पंप लगा होता है जो एटीपी एनर्जी की मदद से काम करता है। मैं दो तरीके बेटा बताए हैं कि किस तरह से नेचुरली नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन फिर स्टॉप हो जाती है। एक ये कि डीग्रेडिंग एंजाइम न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये ब्रेक डाउन किस जगह पे हो रही है, सिनैप्टिक लेफ्ट के अंदर हो रही है, न्यूरॉन के अंदर नहीं हो रही, सिनैप्टिक लेफ्ट में हो रही है। दूसरी ऑप्शन ये है कि सिनैप्टिक क्लेफ्ट में से ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वापस प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन में भेज दिए जाए। अब हम आर्टिफिशियली इस ट्रांसमिशन को कैसे रोकते हैं, उसकी छोटी एग्जांपल, जब किसी की कुछ सर्जरी होने लगती है तो स्किन का, बॉडी का कोई पार्ट सुन करना पड़ता है, सेंसलेस करना पड़ता है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि वो जो मेडिसिन यूज करते हैं उसका एक्चुअली पर्पस क्या होगा। वो मेडिसिन के मॉलिक्यूल एक्चुअली क्या करते हैं, या तो फिर बेटा वो प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन में से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने को रोक देते हैं, या फिर वो मेडिसिन के मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि वो जाके पोस्टसिनैप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे अटैच हो जाते हैं। दोनों सूरतों में नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन नहीं होगी। तो अगर कोई स्टिमुलस आपके रिसेप्टर तक आ भी रही है लेकिन बेटा आपका ब्रेन उसको सेंस नहीं कर पाता, तो सुन करने में बेटा यही होता है कि एक्चुअली या तो वो रिसेप्टर ब्लॉक कर दिए जाते हैं, तो या फिर उनकी नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन स्टॉप कर दी जाती है। तो देखिए नॉलेज बेटा यही होता है कि कोई चीज़ आप पढ़ते हैं ना तो फिर उसको देखते हैं कि इसको मॉडिफाई करके हम ह्यूमन बेनिफिट के लिए या किसी ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं इसको। अब रहेगी बात कि न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल की केमिकल नेचर क्या होती है, इनकी टाइप्स कौन सी हैं। तो इनकी टाइप्स जो है, इनकी केमिकल कंपोजिशन भी वेरिएबल है, लेकिन मैं फिलहाल इनके नाम आपको बताने लगा हूँ। जो चंद मशहूर न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनमें से एसिटाइल कोलीन है। मैं बाद में जब पावर पॉइंट ये आपको स्लाइड शेयर करूंगा तो उसमें इनके केमिकल फार्मूला भी हैं, वो देख लीजिएगा जी। सेरोटोनिन भी है, उसके अलावा डोपामाइन है, उसके अलावा एपिनेफ्रिन है। ये सारे नाम है न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल के। फिर इसके बाद नॉर एपिनेफ्रिन भी है। और बेटा जब इन न्यूरोट्रांसमीटर की नेचुरल कंसंट्रेशन में
कोई चेंज आती है तो उसका नतीजा डिजीज की शक्ल में निकलता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है कि जो सेरोटोनिन है ना, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, इसको हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है, और अगर इसकी ब्रेन न्यूरॉन में, इंटर न्यूरॉन में डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर इसकी वजह से वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो जो लोग एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन यूज़ करते हैं तो कभी उसकी केमिकल कंपोजिशन देखे, उसमें कहीं ना कहीं पर सेरोटोनिन का जिक्र होता है। अगर वो न्यूरॉन खुद प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो फिर उसको एज ए ड्रग, एज मेडिसिन पेशेंट को यूज़ करवाया जाता है। मोस्टली बेटा क्या होता है कि अब सिनेप्स हैं किधर किधर, मैं फाइनल बताने लगा हूँ, टाइम शॉर्ट है। ओवरऑल देखिएगा बेटा, हमने क्या पढ़ा हुआ, रिसेप्टर से क्या निकलता है, सेंसरी न्यूरॉन, फिर सेंसरी न्यूरॉन का सिनेप्स बना हुआ है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर किसके साथ, इंटर न्यूरॉन के साथ। ये फिर इंटर न्यूरॉन का साइनेप्स बना हुआ है मोटर न्यूरॉन, मैंने बताया था मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है, और फिर ये मोटर न्यूरॉन का ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जाके साइनेप्स बना हुआ है किसके साथ, इफेक्टर के साथ, मे बी मसल, मे बी ग्लैंड। तो जिनको मैं रेड सर्कल करने लगा हूँ बेटा, ये सारे साइनेप्स हैं, ये भी साइनेप्स है, ये भी साइनेप्स है, और ये भी साइनेप्स है। ये अब आप में से कोई सोच बता सकते हैं कि ये इनमें से कौन सा साइनेप्स है जो आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब बेटा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। ये अब इससे बाहर जो साइनेप्स है बेटा, वो है जो मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर के दरमियान होता है। ये वो साइनेप्स है जो ब्रेन के अंदर नहीं है, स्पाइनल कार्ड के अंदर नहीं है बेटा। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर जो साइनेप्स है वो ये है, या तो सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के दरमियान, या फिर मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के दरमियान। ये दो साइनेप्स ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर पड़े होते हैं, विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा साइनेप्स है जो मोटर न्यूरॉन और किसके दरमियान बना है, इफेक्टर के दरमियान। तो कहा यह जाता है कि अमूमन जो मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर के दरमियान साइनेप्स होता है, यहाँ पे कौन से न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं जिनको एसिटाइल कोलीन कहा जाता है। वो याद है जो मैंने मसल कंट्रैक्शन का टॉपिक पढ़ाया था कि एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है, वो एक्चुअली साइनेप्स ही है जो मोटर न्यूरॉन और मसल के दरमियान बना हुआ है। फिर वो इम्पल्स ट्रांसफर होती है मसल मेम्ब्रेन के ऊपर, वो ट्रांसफर एक्चुअली इसी मेथड के थ्रू होती है जो मैंने भी आपको सारा पढ़ाया है। और यहाँ पे मोस्टली कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है, एसिटाइल कोलीन, और बाकी न्यूरोट्रांसमीटर मोस्टली विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना काम कर रहे होते हैं। मसलन अगर सेंसरी न्यूरॉन की इम्पल्स इंटर न्यूरॉन पे ट्रांसफर हो रही है तो इसमें एसिटाइल कोलीन अमूमन इन्वॉल्व नहीं है, बाकी न्यूरोट्रांसमीटर इसमें इन्वॉल्व होंगे। और अगर इंटर न्यूरॉन की इम्पल्स मोटर न्यूरॉन पे ट्रांसफर हो रही है तो यहाँ पे भी अमूमन एसिटाइल कोलिन इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ पे बाकी न्यूरोट्रांसमीटर का रोल हो सकता है। तो जो साइनेप्स आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी बिटवीन मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर, वहाँ पे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करने के लिए एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।